संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के किसानों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। पलवल के नेशनल हाईवे को पूरी तरह से किसानों ने जाम कर दिया। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां इनेलो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद का समर्थन कर रही है। किसान नेता भी यहाँ पर किसानों के बीच पहुँचे हैं। दूसरी जगह जो आह्वान था सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक, यहाँ पर किसान 11 बजे इकट्ठा हुए, उसके बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर इनेलो नेता युवा हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, इनेलो के नेता भी यहाँ पहुँचे हैं भारत बंद में, जो किसानों का पहले समर्थन करती आई इनेलो। क्या कहोगे, सरकार अभी तक नहीं सुन रही, लगभग 10 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए। देखिए, भाजपा की जो सरकार है पूरी तरह अंबानी और अडानी की सरकार है, ये पूरी तरह जन विरोधी, देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अगर उद्योगपतियों का 1 रुपए का भी नुकसान होता है तो वो दिखाई देता है। जबकि 8-9 महीने से पिछले से किसान रोड पर बैठा है, इतनी तपतपाती धूप में बैठा है, अपनी फसलों को, परिवारों को छोड़कर यहाँ बैठा है, भूखे प्यासे कितने लोग शहीद हो चुके हैं किसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहे। और कुछ इस तरह से सरकार चल रही है कि जो कानून बनने होते हैं उससे पहले ही अंबानी और अडानी अपने भंडारण की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी पूरी तरह से सरकार अंबानी और अडानी के सारे पर चल रही है। हमारे इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय चौटाला जी का आदेश था, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा में खड़ा है। और अभी भी हम पिछले लगभग सुबह 10 बजे से हम पलवल के अंदर दुकानदारों से प्रार्थना करके आए, बाजार को बंद करवा। दूसरी जगह जो बंद का आह्वान था 6 बजे से शाम 4 बजे तक था, आप 10 बजे आए, आप मार्केट को बंद करवाने गए, अब नेशनल हाईवे को भी लगभग 11 बजे आपने बंद किया, क्या वजह है, कब तक आप ये आगे चलता रहेगा ये जाम आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। देखिए, 1 दिन का भारत बंद था, जिस टाइम तक संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपील की है तब तक हम भारत बंद कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम किसान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, चाहे जितना लंबा समय लगे, चाहे सालों गुजर जाए, सदियों गुजर जाए, और इनके हम हर हालत में सरकार का सामना करेंगे और सरकार को बदल कर रख देंगे, किसान की मांग पूरी होगी, किसान कमेरे का राज लाकर रहेंगे। क्या कहोगे, लगातार लंबे समय से किसान धरना कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, 10 महीने हो चुके हैं। भैया, ये जो सरकार है बिल्कुल किसान विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी और अपना हर तरीके से फेल है। और ये 2024 में इसे किसान उखाड़ के फेंक देगा और इसको मांगे तो माननी होंगी हर हालत में, परंतु यह है तो बार बार ये कहती है किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्या मानते हो किसान नहीं आप? भैया, किसान नहीं है तो और क्या है, किसान ही तो हैं सारे, किसान ही हैं यहाँ पे, और कोई भी जो भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं वो भी किसान हैं, सभी किसान हैं यहाँ पे। किसान उम्मीद है सरकार सुनवाई करेगी। सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो 2024 में सरकार का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। आप क्या कहोगे, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 महीने हो चुके हैं लगभग, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है किसानों की? ये किसानों की सरकार तो है ही नहीं, व्यापारियों की सरकार है, किसानों की सरकार ही नहीं है, व्यापारियों की सरकार है, परंतु किसानों ने सोचा हमारी सरकार बनेगी, मोदी सरकार पे विश्वास किया था, और मोदी जो बीजेपी का राज रहा वो व्यापारियों का रहा है, इन्होंने अपना चाल किसानों को अपने उसमें ले लिया चाल में। और किसानों ने पहले भी भारत बंद किया, रेलें भी रोकी, रोड जाम किए और ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। क्या लगता है आज जिस तरह से भारत बंद है आगे प्रदर्शन होते रहेंगे, उम्मीद है सरकार सुनेगी आगे? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार नहीं सुनेगी तो एक किसान है 2024 से पहले इसका मामला आ जाएंगे। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, कहती है किसान नहीं है, आप लोग आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हो, बैठते हो, रात को भी यहाँ रहते हैं, कब तक ना करेगी तीनों कानून वापस, सरकार कब तक ना करेगी? ये किसान नहीं दिख रहे, एक भी इसमें कोई बता दे बिना किसान के हो तो 100% तीनों कानून वापसी होगा, MSP की गारंटी देनी पड़ेगी सरकार को, और जब तक ना देगी तब तक आराम से किसान बैठेंगे, शांतिपूर्ण धरना करेंगे। जैसे कि एम्बुलेंस को आ रही है सरकारी, वैसे कुछ संपत्ति है उसको हम आराम से निकाल रहे हैं, किसान दोनों चारों तरफ जब तक बैठे रहेंगे जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते। और मैं तो प्रार्थना करूंगा क्यों नरेंद्र मोदी जी स्टेट सरकार, केंद्र सरकार क्यों जीत पर रही है, जो मुख्य मांग है किसानन की, जिनके बिना देश नहीं चल सकता, इनके बिना, क्योंकि इन कानून को वापस कर दे, इसमें दिक्कत भी क्या है।
लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम रणनीति बदली जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह धरना चल रहा है। दूसरी जगह 6 बजे से जो भारत बंद शुरू हुआ 4 बजे तक रहेगा। आप बड़ी लेट जागे, आपने 11 बजे आए, 12 बजे जाम किया। लेट नहीं जागे, ऐसे कोई सकूली बस है या वैसे है कोई थोड़ी बहुत, फिर लोगों से जो कॉल की गई थी या 11 बजे की गई थी, 11 बजे हम ऑलरेडी 10:30 से यहाँ तैयार थे और धरना सत्र पूरे 11 बजे शुरू हो गया। लेट कहाँ थे? हाँ मूलचंद जी, आप क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है किसानों के धरने प्रदर्शन। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन करती आई है और आज भी भारत बंद में पुरजोर हमने लगाया है और भारत बंद का समर्थन किया है। सुबह से ही आज संघर्ष समिति सुबह पहले से तो बाजार में व्यापारी भाइयों से, रेहड़ी पटरी वाली भाइयों से अपील करने गई थी और पूरे बाजार में अपील करने के बाद आज अब रोड पे आ गए जाम करके भारत बंद का। पलवल जिले में कितना सफल मानते हो भारत बंद को? आप यहाँ 11 बजे आए, 12 बजे रोड जाम किया, बाजार में भी गए, पूरी तरह से दुकानें भी बंद नहीं है। देखिए, ये किसानों की तरफ से एक सहयोग मांगा था व्यापारी भाइयों से। सभी व्यापारी भाई हमारे व्यापारी भाई सभी इसमें सहयोग दे रहे हैं। ये हमारी अपील थी किसानों की, जो बड़े शांतिपूर्वक और प्यार से हाथ जोड़कर विनम्रपूर्वक अपील की गई थी, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला है। किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां साथ दे रही हैं, फिर भी सरकार नहीं झुक रही है, कृषि कानून रद्द नहीं कर रही है। करिए, कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई प्रस्ताव सामने आए? देखिए, ये तानाशाह सरकार है, 10 महीने बीत चुके हैं, अगर ये अब भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो किसान आंदोलन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, जो बीजेपी के लिए सत्ता से जाने का काम करेगी। देवेंद्रलाल जी, क्या कहोगे किसानों के इस प्रदर्शन पर? जो भारत बंद है, कितना असर पड़ेगा सरकार पर इसका? इसका असर पड़ना चाहिए। मुझे तो आज अभी खबर मिली है कि जो कृषि मंत्री भारत सरकार का, उसने ऑफर भी दिया भाई हम किसानों से बातचीत करने के तैयार। उसका 2 घंटे में रिपोर्ट पहुँच गई पूरे देश में। सुबह 6 बजे से जो भारत बंद आरोप चल रहा है, ये बहुत बढ़िया सफल रहा है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी लेट रहा क्योंकि किसानों का छोटा मोटा काम करके यहाँ लोग 10 बजे आए हैं और करीब 11:30-11 बजे बैठ गए थे और शाम को, और फिर 2 घंटे हम बाजार में गए थे, वहाँ भी हम दुकानों को बंद करवा गए। सभी दुकानदार भाइयों ने हमारा साथ दिया, उन्होंने 2 बजे तक दुकानें बंद कर दी है। किसान गर्मी में सर्दी में लगातार प्रदर्शन कर रहा है, दिन रात यहाँ बैठा हुआ है और सरकार कहती है किसान ही नहीं है, आपकी सुनवाई नहीं कर रही है सरकार, कहती है तमाम जो विपक्षी पार्टियों के लिए इस आंदोलन में घुसे। भाई जी, पत्रकार साहब, जो किसान है वही, आप देखो इस समय 40 का टेम्परेचर है, जो किसान है वही सिर्फ धूप में बैठ सकता है, मेहनत कर सकता है, जो किसान नहीं है वो धूप में आ ही नहीं सकता, धूप में नहीं आएगा किसान। इनका कहना है कि जो किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, पसीना बह रहे हैं, वो सभी किसान हैं, चाहे बेशक दूसरी पार्टियों के से भी क्यों ना हो ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसानों का ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लगभग 11 बजे से ये जो नेशनल हाईवे 19 पूरी तरह से जाम है, तमाम विपक्षी पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, इस प्रदर्शन जो किसानों का धरना प्रदर्शन है इसको समर्थन कर रही है, भारत बंद का साथ दे रही है। इस भारत बंद में कई सामाजिक संस्थाएं, ट्रेड यूनियंस भी धरने को समर्थन कर रही हैं। सभी की कोशिश है कि भारत बंद पूरी तरह से सफल बनाया जाए ताकि सरकार पर दबाव बने, सरकार झुके, 3 कृषि कानून रद्द हो और MSP पर कानून बने। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।